नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रोगी को स्पंज कराना, यानी रोगी को स्नान कराना, और दूसरा टॉपिक है घायल का स्थानांतरण। एक साथ मैं दो टॉपिक कवर करूंगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में ये आ भी चुके हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रोगी को स्पंज कराना। देखिए इसमें क्या है कि जब रोगी के लिए पानी का स्नान या तो संभव नहीं होता है या उसके मतलब नहलाने से उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो स्पंज कराया जाता है। और जो ये होता है ये मौसम के अनुरूप कराते हैं। देखिए स्पंज कराना कब होता है कि जब रोगी जो है बिस्तर पर हो, काफी दिन उसको नहलाया हुआ हो और इसके साथ साथ वो काफी कह सकते हैं कि वो उठ नहीं सकता है और वो बिस्तर पर ही पड़ा हो, उस स्थिति में उसको स्पंज कराया जाता है। और स्पंज कराने के लिए परिचारिका के द्वारा और नर्स के द्वारा कराया जाता है। देखिए गृह परिचारिका क्या होता है, जो रोगी की देखभाल करे उसे गृह परिचारिका कहते हैं। नर्स जो हॉस्पिटल में होते ही हैं, तो गृह जो स्पंज कराना होता है इसमें रोगी को क्या कहते हैं, उसको एक तौलिया, मुलायम तौलिया से उसको उसकी रोगी की कह सकते हैं उसकी आवश्यकता के अनुरूप, यानी गर्म पानी या ठंडे पानी को लेकर के उसको जो है पूरी बॉडी को पोछा जाता है, पूरी बॉडी को साफ किया जाता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं स्पंज कराना। तो ये क्वेश्चन भी आया था स्पंज क्या होता है, तो स्पंज कराना रोगी को नहलाने की क्रिया जो की जाती है उसे स्पंज कराना कहते हैं, जो पूरे बॉडी को गीले कपड़े से गर्म पानी या ठंडे पानी से उसे पोछा जाता है, इसी को ही स्पंज कराना कहते हैं। किस लिए कराते हैं, ये मुख्य रूप से त्वचा की सफाई या दुर्गंध को हटाने के लिए या शारीरिक स्वच्छता करने के लिए उस रोगी के बॉडी को पोछा जाता है या स्पंज कराया जाता है। अब आते हैं स्पंज के प्रकार। स्पंज तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं और यह जो है गर्म पानी के द्वारा, ठंडे पानी के द्वारा, शुष्क विधि के द्वारा। और गर्म पानी के द्वारा क्या होता है, गर्म पानी लेते हैं और तौलिया उस पर भिगोते हैं और पूरी बॉडी को चेहरे से शुरू करते हैं और पूरी बॉडी को पोछते हैं। तो देखिए जो जब स्पंज कराया जाता है तो रोगी का जो कमरा होता है खिड़की दरवाजे बंद कर देना चाहिए, उसको आराम से बैठाना चाहिए या लेटे हुए स्थिति में उसको ऐसे करना चाहिए जिससे उसको बाहर की हवा न लगे और तब उसको जो है स्पंज कराया जाता है। कब कराते हैं, जब शरीर में दर्द होता है, यानी इसके अलावा भी रोगी को के अलावा भी जो है गर्म पानी के द्वारा भी से किसी और के लिए भी हो सकता है ये कि दर्द हो, सूजन हो कि जो है उस स्थिति में भी गर्म पानी के द्वारा सिकाई की जाती है या गर्म पानी के द्वारा स्पंज कराया जाता है। दोस्तों जो स्पंज जब कराया जाता है रोगी को उस पे जिस पे मतलब बिस्तर पर जो लेटाते हैं वहां पर रबर सीट का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है आपका, रबर सीट क्या होता है, तो रबर सीट ये रोगी को लेटाने के लिए बिस्तर पर रबर सीट का प्रयोग किया जाता है जिससे रोगी का बिस्तर जो है भीगे ना, उसी को बोलते हैं रबर सीट। ये अक्सर आप हॉस्पिटल में पाए होंगे रबर सीट जो है बिस्तर पर लगे होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ठंडे पानी के द्वारा। ठंडे पानी के द्वारा कब कहते हैं, जब लू लग जाते हैं या बुखार अधिक होता है तो शरीर को ठंडक देने के लिए जो है ठंडे पानी के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क विधि के द्वारा। इसमें जो है बोतल के द्वारा या कोई तवे पे कपड़े रख करके सिकाई जब करते हैं वो हमारी शुष्क विधि होती है, या सूखी कह सकते हैं, सूखी तरीके से सेक देना, ये शुष्क सेक होती है या शुष्क विधि के द्वारा सिकाई करना होता है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट आते हैं भपारा देना। भपारा देना क्या होता है, हम लोग भाप देना जिसको कहते हैं। तो भाप देना क्या है, ये भी एक सिकाई करने का एक तरीका होता है। जब गले में दर्द होता है, गले की ट्रांसिट बढ़ जाती है, उस स्थिति में व्यक्ति को भपारा दिलाया जाता है। और कभी कभी खांसी, जुखाम आदि तीख हो जाने की वजह से भी भाप देने से जो है काफी आराम मिलता है। और जिस व्यक्ति को भाप जो दिलाया जाता है वो व्यक्ति अंदर से पहले गर्म पानी होता है भगोने में गर्म करते हैं और उसमें ऊपर से कपड़ा से ढक लेते हैं और फिर उसको भाप देते हैं, तो हमारा क्या होता है भपारा देना। नेक्स्ट आते हैं पुलटिस। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पुलटिस क्या होता है। पुलटिस जो होती है कोई आपकी सेक होती है, ये उस स्थान पे करते हैं कहीं पर जब फोड़े फुंसी निकल जाते हैं या निकलते हुए रहते हैं
उस समय वहां पर पुल्टिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, घाव, फोड़े, फुंसी, सूजन आदि पर तुरंत सेक देने के स्थान पर कुछ समय तक लगातार सेक देते हैं, जिससे कुछ समय तक गर्म बना रहे। देखिए, वहां पर कभी कभी अलसी और सरसों वहां पर पीस के लगा देते हैं या काली मिर्च लगा देते हैं, इससे क्या होता है वहां पर जो है गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से फोड़े फुंसी क्या होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं या और जल्दी से फूट जाते हैं। तो ये होता है पुल्टिस। तो पुल्टिस कई चीजों से बनाते हैं, अलसी के द्वारा, राई के द्वारा, प्याज के द्वारा, गुड़, सरसों और नीम, इनके द्वारा पुल्टिस बना करके उस स्थान पर लगाते हैं, इसी को ही पुल्टिस कहते हैं। अब आते हैं हमारा बर्फ की थैली या टोपी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप पढ़े रहेंगे तभी उसका आंसर दे सकते हैं। तो बर्फ की थैली या टोपी क्या है कि एक प्रकार की ये रबर की टोपी होती है, जिसमें ये गोल आकार की इस तरह से ये बनी होती है, और इसमें जो है बर्फ को डालते हैं और काफी समय तक जो है इसमें बना रहता है बर्फ। और कहाँ पर ये अत्यधिक, उस स्थान पर जहाँ पर अत्यधिक ठंडक पहुंचाना होता है, उस स्थान पर बर्फ की थैली का प्रयोग करते हैं। दर्द हो, सूजन हो, रक्तस्राव हो रहा हो, इस स्थान पर भी जो है बर्फ की थैली या बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं और काफी समय तक टिका रहता है और उसी उसी स्थान पर लगाते जाते हैं, जिस स्थान पर दर्द हो, सूजन हो और रक्तस्राव नहीं रुक रहा हो, उस समय जो है यहाँ बर्फ की थैली या टोपी का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है घायल का स्थानांतरण क्या होता है। तो दोस्तों घायल का शब्द से ही लग रहा है कि घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। तो जब किसी दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक स्थान से यानी उस स्थान से हटाना होता है, कभी कोई गाड़ी से और भी उसको मतलब उसकी हालत बिगड़ सकती है, या धूप हो या कहीं फैक्ट्री में हो, इस तरह से उस स्थान से ले जाना वहाँ के लिए उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यदि वो व्यक्ति सक्षम है तो जा सकता है, यदि सक्षम नहीं होगा तो वहाँ पर वो पड़ा रहेगा। तो यानी किसी दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को हटाना क्या कहते हैं, घायल का स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए घायल का स्थानांतरण दो विधियों के द्वारा करते हैं। पहली विधि है एक व्यक्ति के द्वारा ले जाना, दूसरी विधि होती है दो व्यक्ति के द्वारा ले जाना। अब देखिए एक व्यक्ति के द्वारा यानी उसको गोद में ले जाते हैं, यानी गोद में एक व्यक्ति जो गोद में उठा के ले जाएगा, उसको कंधे पर रख के लेके जाएगा और पीठ के बल लेके जाएगा। ये क्या होती है, ये एक व्यक्ति के द्वारा ले जाया जाता है। दूसरा है दो व्यक्ति के द्वारा ले जाना, इसमें क्या है दो व्यक्ति मिल करके ले जाते हैं। इसमें तीन विधि है, दो हत्थी का मतलब दो हाथ लगाते हैं, दो हाथ यानी दो हाथ नीचे होता है और दो हाथ जो है पीठ के पीठ पर होता है, जिससे उसको टेक दे करके ले जाते हैं। दो हत्थी हुआ, तीन हत्थी, तीन हाथों का प्रयोग करके उसको उसी तीन हाथों के बीच में उसको बैठाते हैं, वो हमारा क्या होता है तीन हत्थी के द्वारा। चौहत्थी का मतलब चार हाथ लेकर के उसको बैठाते हैं और उस पर लेके जाते हैं, यानी चार हाथ का प्रयोग करके। तो ये तरीके हो गए व्यक्ति को ले जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में स्ट्रेचर क्या होता है। जैसे सबसे आप परिचित भी होंगे स्ट्रेचर, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा रोगी को ले जाते हुए ऊपर सीढ़ियों से द्वारा, या ऐसे भी वो नहीं चल सकते उसको लिटा के ले जाते हैं, वही हमारा स्ट्रेचर होता है। और भी पहले कपड़े से बनाया जाता है कि दोनों तरफ डंडी होती है और उसमें कपड़े को लपेट देते हैं, जिससे उस पे उस कपड़े पे इतना मोटा होता है जिससे वो फटे ना, और उस पे लिटा करके दो व्यक्ति उसको ले जाते हैं, वो हमारा स्ट्रेचर उस समय का स्ट्रेचर होता है। तो स्ट्रेचर एक आपका एक तरीके से कह सकते हैं एक उपकरण होता है जो घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं स्ट्रेचर। इस पॉइंट में बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन आएगा घायल का स्थानांतरण क्या होता है, उसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। दूसरा आपको सकता है स्ट्रेचर क्या होता है, बस इसमें से केवल इतने ही दो आपके क्वेश्चन आए हैं और इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। और इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा स्पंज क्या होता है, स्पंज कराना किसको करते हैं, क्या होता है, इस तरह से उसमें आपको ऑप्शन देंगे। दूसरा आपका आता है कि पुल्टिस किसे कहते हैं, पुल्टिस क्या होता है, ये आपका बर्फ की थैली क्या होती है। इतने में बस इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे और एक्स्ट्रा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया
कि स्पंज कराना क्या होता है, कितनी विधियों से स्पंज करते हैं, उसके बाद आपका घायल का स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना। और एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो टॉपिक आपको चल रहा है, ये आपके जो जो और भी स्टूडेंट हैं, जो अभी आपके और भी दोस्त हैं, उनको भी जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि अब आपके जो फॉर्म हैं वो आने वाले हैं और ये आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ आप पूछ रहे थे कि आपके जो DSSSB का जो फॉर्म आने वाला था उसमें आपके TGT और PGT है, उसमें TGT के जो फॉर्म है उसमें आपका BSc+ BEd होना चाहिए, और आपका जो MSc का है यानी जो PGT का फॉर्म है उसमें आपको PGT+ यानी MSc+ BEd होना चाहिए। इसमें आपको तभी वो फॉर्म भर सकते हो, यानी BEd होना अनिवार्य है। जबकि हमारे यहाँ PGT यूपी में PGT के बाद आपका BEd नहीं मांगता है, आप यहाँ भर सकते हो लेकिन दिल्ली वाले फॉर्म में आप नहीं भर सकते हो, वहाँ पर आपका BEd होना अनिवार्य है। तो और यदि आप कोई बच्चे ने BA MA किया है तो यदि आप फॉर्म भरिए, उसमें कोई फीस नहीं है। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो आप डाल दीजिए, अगर आपका एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपका वो नहीं पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डालिए, देखिए अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका जो अनिवार्यता वहाँ पर है BSc+ BEd और PGT के लिए MSc+ BEd होना अनिवार्य होता है। तो और एक चीज़ आप क्वेश्चन बुक खोजते हो कि बुक कौन सा मैम पढ़ाती हैं, तो दोस्तों बुक हमारी कोई खास बुक इस तरह से नहीं है, हमने जो BSc और MSc में पढ़ा है वही सारी बुकें हमारे पास हैं, और ज़्यादा कुछ बुक्स एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं है। और मैं जो टॉपिक मुझे नहीं मिलता है उस टॉपिक को मैं नेट पे सर्च करके पढ़ाती हूँ। आपका ये बार बार क्वेश्चन रहता है मैम आप बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए, तो बुक्स मेरी आपको डॉक्टर वृंदा सिंह की एक बुक है, और अनीता अग्रवाल की बुक है, शर्मा एंड शर्मा की बुक है, और ये आपकी बाल विकास की है शर्मा एंड शर्मा की, डॉक्टर वृंदा सिंह की पांचों ब्रांच की अगर बुक आपको मिलती है तो अच्छी बुक है वो, और आपकी मंजू पाटनी की बुक है जो आपकी BSc में MSc में चलती थी, और इससे ज़्यादा एक्सटेंशन एजुकेशन में आपके डॉक्टर वृंदा सिंह हैं, और सेनी की एक बुक आती है वो भी है, और इसके बाद आपका कुछ बच्चे उसको लिए हैं ट्रूमेंस जो आपकी कंपटीशन की है, विद्या की है, तो इसको आप ले सकते हो। लेकिन हमारे अनुसार जो है आपका वो यदि आप सारी बुक को अपने से सर्च करके आप नोट्स बना के पढ़ोगे, वो आपके जो कंपटीशन की बुक आती है उससे आपको उससे ज़्यादा कहीं आपको ये हेल्पफुल होगा। तो और इसके बाद आपके जो मैंने आपको बताया ही था, आपको डिटेल नॉलेज लेना है तो 6 से लेकर 12 तक की जो किताबें चलती हैं स्कूल में उससे आप जो है काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो इतना ही आपके लिए बहुत है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो, और आपका सब कुछ अब तो और भी अच्छा है, आप गूगल से सारी चीज़ें सर्च करिए, जो आपको नहीं आता वहाँ से आप लीजिए। तो ये हमारे है जिसमें मैंने आपको बताया, तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।